नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरंता सिंह आंग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के आज गुजरात के कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह के पास टकरा सकता है। मौसम विभाग ने तटवर्ती क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक आज से हैदराबाद में शुरू। W20 बैठक आज से चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में शुरू हुई। बैठक में महिलाओं के स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। भारत के किदाम्बी श्रीकांत जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। अति भीषण चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के आज शाम को गुजरात के कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह के पास टकराने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार बिपोरजॉय चक्रवात के गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच सौराष्ट्र और कच्छ और उससे सटे पाकिस्तान के तटों को 150 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार से पार करने की संभावना है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ जिलों के तटवर्ती क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के क्षेत्रीय निदेशक ने आकाशवाणी को बताया कि भीषण चक्रवात बिपोरजॉय इस समय जखाऊ बंदरगाह के पश्चिम दक्षिण पश्चिम से 200 किलोमीटर दूर है। राज्य सरकार ने इस संभावित आपदा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक बल और सेना की सहायता के लिए समन्वय किया है और आपदा प्रबंधन की तैयारियां भी जोरों पर है। एहतियात के तौर पर चक्रवात की आशंका वाले जिलों में 74,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा गया है। किसी भी स्थिति में निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। राज्य सरकार ने चक्रवात के संभावित खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 34 टीम तैनात की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य आपदा संचालन केंद्र में कल उच्च स्तरीय बैठक में चक्रवात से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों में स्थिति की समीक्षा की। मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बिपोरजॉय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से गुजरात में अनेक जगहों पर भारी वर्षा की आशंका है। प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के 115 विकास खंडों में वर्षा हुई है। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक आज सुबह हैदराबाद में शुरू हुई। G20 सदस्य देशों के मंत्रियों, आमंत्रित देश और विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थानों के प्रमुखों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि इस बैठक में भागीदारी कर रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इस अवसर पर भारत की कृषि तकनीक को दिखाने वाली एक प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन किया। आधिकारिक मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि उभरती आधुनिक प्रौद्योगिकी किसानों के लिए बहुत मददगार होगी। उन्होंने कहा कि ड्रोन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी अधिक खेती करने में किसानों को मदद करेगी। उन्होंने नई प्रौद्योगिकी को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता की बात कही। इस 3 दिवसीय बैठक में सतत कृषि, महिला कृषि, विश्व खाद्य और पोषण सुरक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक से अलग कई कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में लाभ लोगों और पृथ्वी के लिए कृषि व्यवसाय के प्रबंधन और कनेक्टिंग द डिजिटली डिसकनेक्टेड कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति तैयार करने जैसे विषयों पर गहनता से विचार विमर्श किए जाएंगे। इन चर्चाओं में कृषि आधार शीर्ष भारतीय कंपनियां, स्टार्टअप्स और कृषि व्यवसाय कंपनियों से संबंधित राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के भाग लेने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि इस बैठक में खाद्य सुरक्षा और पोषण तथा महिला नेतृत्व वाली कृषि, सतत जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा होगी। तीसरी और अंतिम कार्य समूह पर W20 की बैठक आज से चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में शुरू हुई। पहला सत्र सतत विकास लक्ष्य, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भेदभाव, स्त्री पुरुष समानता, सामाजिक और आर्थिक विकास को हासिल करने के उपायों पर केंद्रित था। बैठक में भागीदारों को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत की प्रतिनिधि एंड्रिया वॉचनर ने कहा कि विश्व में लगभग 27 करोड़ लोग परिवार नियोजन के बगैर रह रहे हैं। ऐसे में मातृत्व मृत्यु को रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समय पूर्व विवाह के कारण महिलाओं के शरीर में होने वाले शल्य चिकित्सा चिंता बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि सरकारों की समस्या को संबोधित करने के लिए आगे आना चाहिए। अर्जेंटीना की डॉक्टर अर्माबेल बियोंको ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य को महत्व देने के साथ लैंगिक सशक्तिकरण को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 6 वर्ष आयु वर्ग की बच्चियों को यौन दुराचार के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और उन्हें इसे लेकर बात करने योग्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अधिकारों की बात हो तो बच्चों को समर्थन देने में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गलवान घाटी में देश की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि इन सैनिकों की वीरता और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। जून 2020 में अभूतपूर्व चीनी आक्रमण का सामना करते हुए 20 से अधिक भारतीय सैनिकों ने देश की भूमि की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 102वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों के सुझाव मांगे हैं। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव नमो ऐप और माइको पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 1800-1178-00 पर भी अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। टेलीफोन संख्या नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी SMS के जरिए एक लिंक हासिल किया जा सकता है। इस लिंक के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को नई दिल्ली में 4वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने 4वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए कुल 41 विजेताओं की घोषणा की है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार सरकार की जल समृद्ध भारत की परिकल्पना साकार करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों के अच्छे कार्यों और प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। ये लोगों को पानी की उपयोगिता और जल के महत्व के बारे में जागरूक करने का प्रयास है। दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास स्काईलाइन यूनिवर्सिटी और खेल परिषद शारजा के सहयोग से 18 जून 2023 रविवार को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। दुबई और उत्तरी अमीरात के लगभग 5000 निवासियों की अनुमानित भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य योगाभ्यास और इसकी वैश्विक प्रासंगिकता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नर्सों, विद्यार्थियों, भारतवंशियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहित अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को एक साथ लाना है। इस वर्ष का योग दिवस वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग विषय पर विशाल भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। भारत की प्राचीन परंपराओं में योग ने शारीरिक और मानसिक आरोग्य पर अपने गहरे प्रभाव के लिए वैश्विक स्वीकृति अर्जित की है। भारत के 75वें स्वाधीनता दिवस को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने के कारण इस वर्ष का समारोह विशेष महत्व रखता है। योगाभ्यास को बढ़ावा देकर हम विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भौगोलिक परिवेशों तथा अधिक शांतिपूर्ण और समेकित विश्व की दिशा में आगे बढ़कर एकता और सौहार्द को सशक्त बना सकते हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुबई और उत्तरी अमीरात में भारत के महावाणिज्य दूत डॉक्टर अमनपुरी मुख्य अतिथि होंगे। राजस्थान में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का दल आज से 2 दिन के दौरे पर जयपुर में है। इस दल में वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा और नितेश व्यास, उपचुनाव आयुक्त अजय भादु और मनोज कुमार साहू समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। आयोग का दल आज जयपुर में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर रहा है। बैठक में प्रत्येक जिले के अधिकारी चुनाव तैयारियां, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियां और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोग का यह दल कल शाम मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ बैठक करेगा। भारत का प्रतिष्ठित चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 को जुलाई में प्रक्षेपित किए जाने का कार्यक्रम है। यह प्रक्षेपण जुलाई महीने के दूसरे पखवाड़े में किया जा सकता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक समारोह के दौरान मीडिया के सवालों के उत्तर में यह खुलासा किया। उन्होंने कहा, अगर चीज़ें योजना के अनुसार चलती है तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण करेगा, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक का प्रदर्शन करना है। इससे पहले श्री सिंह ने कहा था कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने आवश्यक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो अंतरिक्ष यान को अपने प्रक्षेपण और उसके बाद की यात्रा के दौरान प्रतिकूल वातावरण का सामना करने की क्षमता सिद्ध करेगा।
मंत्री ने कहा, भारत के पहले के चंद्र मिशन चंद्रयान एक ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति की पहचान करके देश को विश्व पटल पर गौरव और वर्चस्व का स्थान दिलाया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। दिस इज आकाशवाणी। इंडिया मेजर